हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है SPS विद्यालय स्टडी में। बेटा आज मैं फिर से लास्ट क्लास में जहाँ तक आप लोग पढ़े थे उससे आगे पढ़ाएंगे। क्लास थर्ड SST पढ़ाने जा रहे हैं सोशल साइंस, और चैप्टर फर्स्ट देखेंगे द यूनिवर्स। ठीक है, लास्ट क्लास में जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उसके आगे देखेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ से आज आगे बढ़ते हैं। और हमें करना क्या है आज, हमने लास्ट टाइम में बता दिया था। ठीक है, आज हम लोग चलेंगे टेस्ट योर सेल्फ पे। क्या करने चल रहे हैं? टेस्ट योर सेल्फ। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। समय बहुत ही मूल्यवान होता है, टाइम इज मनी, राइट। नाउ पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन, हमें टिक करना है ना, हमें यहाँ पे टिक करना है किस चीज़ को, करेक्ट ऑप्शन को। हमें क्या करना है, टिक करना है करेक्ट ऑप्शन को। जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें हमें टिक करना है। चलिए एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे और सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना है हमें। तो पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार आप लोग पढ़िए। ठीक है, कह रहा है देयर आर। अब यहाँ पे कुछ हमें फील करना है। ठीक है, जो करेक्ट होगा, प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। ऑप्शन हमारे गिवन है एट, बी पार्ट 9, सी पार्ट 10 एंड डी पार्ट 6। ठीक है, चलिए जल्दी से बता दे दीजिए क्या आंसर आने वाला है ना, क्या आंसर आने वाला है जल्दी से आप बता दीजिए। क्या कह रहा है, देयर आर, कितने प्लैनेट्स हैं हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, हमारे कितने प्लैनेट हैं, है ना, कितने प्लैनेट हैं हमारे पूरे सोलर सिस्टम में। ठीक, तो आप जल्दी से मुझे बता दीजिए, है ना। तो बिल्कुल आप बता भी चुके होंगे, यहाँ पे कई लोग बिल्कुल सही जवाब दिए होंगे। तो एट प्लैनेट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, तो यहाँ पे हमारा फील हो जाएगा एट प्लैनेट। वो कौन कौन से हैं जरा यहाँ पे एक बार देख लीजिए, वो एट प्लैनेट कौन कौन से हैं। तो पहला है मर्क्यूरी, दूसरा है वीनस, तीसरा है अर्थ, चौथा है मार्स, पांचवा है जुपिटर, छठा है सैटर्न, सातवा है यूरेनस, आठवा है नेपच्यून। ये हमारे एट प्लैनेट हैं। ठीक है, इसके बाद भी अगर आप कोई जानते होंगे तो हमें ज़रूर बताइएगा। पहले क्वेश्चंस का जवाब मैंने दे दिया और बता भी दिए कौन कौन से वो एट प्लैनेट हैं जो हमारे सोलार सिस्टम में हैं। तो पहला है मरकरी, दूसरा है वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन ये देखते हैं और फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं वो अगला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है ना, दूसरे नंबर की तरफ। तो यहाँ पे पहले ही
दे दिया है फिल करने के लिए, इज ए मासिव, इज ए मासिव कलेक्शंस कलेक्शंस ऑफ स्टार स्टार्स स्टार्स गैसेस एंड डस्ट डस्ट पार्टिकल। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है हमारा, पहला है सन, बी पार्ट है मून, सी पार्ट है गैलेक्सी, गैलेक्सी डी पार्ट है मार्स। जरा मुझे एक ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है वो जल्दी से बता दीजिए। सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए, सेकंड वाले क्वेश्चंस को पढ़िए पहले ही, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इज ए मासिव कलेक्शन ऑफ स्टार्स गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स, इसमें कौन सा होगा, है ना। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा सन, दूसरा ऑप्शन दे रखा मून, तीसरा ऑप्शन दे रखा है गैलेक्सी, चौथा ऑप्शन दे रखा है मार्स। जल्दी से बता दीजिए उस डस्ट पार्टिकल और गैसेस वो किस में कलेक्ट होते हैं, स्टार किस में है। तो सिंपल सी बात है, सन तो होगा नहीं क्योंकि सन इज ए लाइक ऑफ स्टार, राइट, सन एक खुद क्या है, स्टार है। मून एक सैटेलाइट है, मार्स एक प्लेनेट है, बट गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी में ये सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे गैलेक्सी जो है वो हमारा क्या है, गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल से भरा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही होगा, आप लोग नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ें, है ना, नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लिए होंगे, हम इरेज करने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। क्या है प्रॉब्लम, अर्लियर द सोलर सिस्टम हैड, यहाँ पे क्या होगा, प्लांट्स या प्लैनेट्स, प्लैनेट्स है ना। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है, नाइन, बी एट, सी टेन, डी फोर। बोल रहा है अर्लियर द सोलर सिस्टम हैज प्लैनेट्स, कितने प्लैनेट्स थे पहले इस पूरे सोलर सिस्टम में। तो आपको बता दें नाइन नंबर का जो प्लैनेट था उसे काउंट नहीं किया जाता है, है ना, वो हमारे सन से बहुत ही ज़्यादा दूर है, बहुत ही ज़्यादा दूर। तो कहीं यहाँ पे है नाइन नंबर का प्लैनेट और वो
जो है एक राउंड रिवॉल्वेशंस में एक पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। यहाँ पे सनलाइट भी नहीं आ पाती है, यहाँ पे कभी भी सनलाइट भी नहीं आ पाती है, इसलिए इसको प्लैनेट के दर्जे से हटा दिया गया है। ठीक है, ये 9 नंबर का जो प्लैनेट था इसे प्लैनेट के दर्जे से हटा दिया गया, लेकिन पहले प्लैनेट हुआ करता था। ठीक है, यानी कि अर्लियर में अगर मैं देखूंगा तो 9 प्लैनेट थे, ठीक है, लेकिन अभी 8 प्लैनेट है, क्योंकि 9 नंबर के प्लैनेट को क्या किया गया, हटा दिया गया। 9 नंबर के प्लैनेट को क्या किया गया, हटा दिया गया। उसका क्या नाम होता था, प्लूटो। क्या नाम होता था, प्लूटो। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं। क्या है, द नेचुरल सैटेलाइट द नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द प्लैनेट्स आर नोन एज पहला पार्ट है ऑर्बिट, बी पार्ट है मून, सी पार्ट है स्टार, डी पार्ट है कॉमेट्स। ठीक, जल्दी बताइए यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है जल्दी से बताइए, हम बहुत बार इसको बता चुके हैं। नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है, हम इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बार आप बता दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेचुरल सैटेलाइट हम किसे बोलते हैं, बिल्कुल, तो हम किसको बोलते हैं, बी को, मून। मून एक क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। इन दोनों थर्ड और फोर्थ को आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड और फोर्थ को आप जल्दी नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, इरेज कर रहे हैं। चलो 5 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। हैज टू मून्स पहला यूरेनस, बी मर्क्यूरी, सी पार्ट मार्स, डी पार्ट वेनस। बताइए किसके पास 2 मून है ना, आंसर बताओ किसके पास इनमें से 2 मून है। ये सारी बातें मैं बता दिया हूँ, सिर्फ दो मून्स हैं किनके पास, तो आप लोग आंसर भी बता चुके होंगे। ऑप्शन नंबर सी, मार्स के पास जो है वो 2 मून्स हैं,
मार्स के पास टू मून्स हैं, ठीक है, मार्स के पास टू मून्स हैं। चलो इसी तरह से ए पार्ट को मैंने कंप्लीट किया, 5 क्वेश्चन थे, हम 5 क्वेश्चंस का डिस्कस किए। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, बी पार्ट पे। इसको पहले आप नोट कर लीजिए और चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, बी पार्ट पे, ठीक है। बी पार्ट पे चलें, इसको नोट कर लिए होंगे, बी पार्ट पे चलते इरेज कर रहे हैं हम। तो अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, बी पार्ट पे, और देखते हैं क्या कह रहा है बी पार्ट। कह रहा फील इन द ब्लैंक्स, है ना, हमें कुछ ब्लैंक्स गिवन है उनको फील करना है। चलिए बी पार्ट की तरफ क्या है, कह रहा फील इन द ब्लैंक्स, फील इन द ब्लैंक, फील इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो चलिए इन एक एक क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं। पहला क्या कह रहा है, सॉरी ए पार्ट नहीं है, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, हमें फील इन द ब्लैंक्स करना है, हमें ब्लैंक्स को फील करना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं और उसको लिखते भी हैं साथ साथ में। एट द टाइम ऑफ बिग बैंग, हम बता भी चुके थे बिग बैंग है क्या। एट द टाइम ऑफ बिग बैंग बिग बैंग थिंग्स इन द यूनिवर्स, सॉरी इन द वेयर हॉट एंड Tightly packed, है ना। चलिए तो वहाँ पे आप बताइए ज़रा क्या रहेगा, एक बार आप लोग बताइए फिर आगे हम बताते हैं। कह रहा है एट द टाइम्स ऑफ बिग बैंग थिंग्स इज वेयर यहाँ पे क्या रहेगा, हॉट एंड टाइटली पैक्ड द क्या, कहाँ पे, है ना, जल्दी बताओ अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थियरी। तो बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, ठीक है। इज यूनिवर्स नोट कर लीजिए बाबू, यूनिवर्स इज द राइट आंसर, राइट। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ें। यूनिवर्स इज द राइट आंसर। सेकेंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे साथ साथ यार लिखते भी चलो, ठीक है, ताकि लिखने का भी प्रैक्टिस हो जाए। द सन यहाँ पे क्या होगा, पुल्स द प्लैनेट्स एंड कीप्स देम ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग अराउंड इट
चलिए जल्दी बताइए। इजी है, कोई टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। द सन्स पुल एंड प्लैनेट्स एंड कीप देम ट्रेवलिंग अराउंड इट। सन के चारों तरफ प्लैनेट कैसे रुके रहते हैं, किसके रीजन से रुके रहते हैं, पुल रहते हैं, है ना, और वो ट्रेवल करते हैं सन के अराउंड। चलिए जल्दी बताइए। चलो जल्दी बताओ। बिल्कुल ग्रेविटी। ग्रेविटी, यहाँ पे ग्रेविटी बिल्कुल सही होगा। जितने भी लोग ग्रेविटी फील कर रहे हैं यहाँ पे, वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर इसको इरेज करें, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे तब। पहले इतना नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। जल्दी नोट करो, एक मिनट का समय है आपके पास। लिखते चलो भाई, लिखते चलो साथ में। चलिए हो गया होगा, इरेज करें। इरेज कर रहे हैं। चलिए इरेज कर रहे नौ। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे है ना, क्या बोल रहा है प्लैनेट। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, रिवॉल्व अराउंड Around the sun in their fixed path, in fixed path called क्या होगा यहाँ पे, जल्दी बताइए। चलिए जल्दी बता दीजिए। जो प्लैनेट होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, सन के चारों तरफ, है ना, एक फिक्स पाथ पे, उस पाथ को क्या बोला जाता है, है ना, एक फिक्स पाथ पे चारों तरफ, सन के चारों तरफ प्लैनेट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं एक फिक्स पॉइंट पे, तो उस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि एक ऑर्बिट कंप्लीट करते हैं तो उसका नाम क्या है, ऑर्बिट। उसका नाम क्या है, ऑर्बिट। उसका नाम क्या है, ऑर्बिट्स। तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऑर्बिट्स, उसका नाम है ऑर्बिट्स, ठीक है। चलिए जल्दी नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहा है, पहले ही यहाँ पे एक गैप कर दिया है। हैज़ बीन
हैज बीन डाउन गॉडेड डाउन गॉडेड एज एज ए ड्रॉप planet now now जल्दी से मुझे बता दीजिए now ठीक है क्या रहेगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इस planet का नाम भी लिया था, किसको downgraded बोल दिया गया है कि ये downgraded planet है या planet के बेस में नहीं आया है ना, ये planet है ही नहीं, तो किसको ऐसा बोल दिया गया है कि ये प्लेनेट नहीं है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बताया था किसको बोला गया है, प्लूटो को, किसको बोला गया है, प्लूटो को, प्लूटो प्लूटो हैज बीन डाउनग्रेडेड एट द ड्रॉप प्लेनेट नाउ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। चलिए इन दोनों क्वेश्चंस को जल्दी नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इन दोनों क्वेश्चन को जल्दी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। एक मिनट का समय है, जल्दी नोट करो भाई, मैं एक मिनट का समय दे रहा हूँ, जल्दी नोट कर लीजिए। नोट हो गया, चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इसको देखते हैं, इरेज कर रहे हैं। फाइव नंबर प्रॉब्लम पे चलते हैं, और फाइव नंबर प्रॉब्लम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आपको खुद बताना है। इज द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम that people are able to visit ठीक है, जल्दी बताइए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्या यहाँ पे होगा। इज द पार्ट ऑफ सोलार सिस्टम, वो सोलार सिस्टम का एक पार्ट है। That the people are able to visit, वहाँ पे लोग जा चुके हैं, विजिट कर चुके हैं, ठीक है, तो ज़रा बताइए कौन सा चीज़ है वो, जल्दी से मुझे बता दीजिए, ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पे लोग विजिट कर चुके हैं, जा चुके हैं, पहुँच चुके हैं, ठीक है, और वो सोलार सिस्टम का है ना पार्ट भी है, वो सोलार सिस्टम का पार्ट भी है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, है ना। मून पे लोग क्या हुए हैं, जा भी चुके हैं, ठीक है, और वहाँ पे लोग अपना विजिटिंग भी दे चुके हैं, ठीक है, तो इस बातों को ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा ये क्लास, ठीक है। आज के डेट पे इतना ही, मैंने दो पार्ट को डिस्कस किया,
ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।